हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे ए की मात्रा। गुंजन हिंदी पाठशाला वन वर्ग वन की हिंदी सीखने की श्रृंखला में आज हम लोग ए की मात्रा का अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है आपने पिछले सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा और समझा होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अगला अध्याय, ए की मात्रा। तो देखिए, ए की मात्रा, ये आप पहचानिए ए की मात्रा। इससे बने शब्द एनक, एनक, ए टलस, ए टलस। तो इस पर अब ये अब पढ़ने वाले शब्दों का अभ्यास करते हैं। ऐसा, ऐसा, ए ना, एना, ए न एन, ए न का एनक, एरावत। ए और ए के शब्द अलग अलग लिखना है। तो ए में क्या होता है कि मात्रा नहीं होती है, ए में मात्रा होती है। तो देखिए, जैसे ये एक है तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, ए में एकता है, इसमें मात्रा नहीं है, इसको ए में लिख देंगे। यहाँ एक तारा है तो इसमें भी मात्रा नहीं है, एक तारा है, इसमें लिख दिए। और ए की मात्रा जो है, देखिए ए की मात्रा इसमें है तो ए सा, इसको यहाँ लिख दिए। और एनक, एनक यहाँ लिख दिए। और एन, तो एन यहाँ पर लिख दिए। तो इसे आप अच्छे से समझे, ए की मात्रा। और ये देखिए इसका मात्रा है, ए इसकी मात्रा इस तरह से लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे बैल, मैना, पैर, थैला। इसी तरह इसी अभ्यास में आप देखते हैं, अब पढ़ो, जैसे पैर, पैर, बैल, बैल, सैर, सैर, मैना, मैना, पैदल, पैदल, बैटरी, बैटरी, सैनिक, सैनिक, मैदान, मैदान। तो ए की मात्रा यानी कि ये मात्रा वाले शब्दों पर सर्किल लगाना है। जैसे कैसा लिखा हुआ है, बेल है तो इसमें मात्रा एक है, इस पर डबल मात्रा है एक दो, तो इस पर देखिए सर्किल लगाया हुआ है। बैल, इस पर भी सर्किल लगा देंगे। नैया, देखिए ये ए वाला मात्रा है, इसमें भी सर्किल लगा देंगे। केसर, इसमें एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है। कैलाश, इसमें देखिए दो मात्रा है, इसको सर्किल कर देंगे। और कैमरा, इसमें देखिए दो मात्रा है, ए की मात्रा है, तो इसको हम सर्किल कर देंगे। गुंजन के इस अगले अध्याय में हम लोग देखते हैं मैना उड़ गई, इस पर अभ्यास करना सीखेंगे, ए की मात्रा का अभ्यास करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है, आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इसे आप ध्यान से पढ़ें, समझें और इन पर अभ्यास का उत्तर दें। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। मैना उड़ गई। वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए। वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए, मतलब कि वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए। एक पेड़ पर मैना बैठी थी, एक पेड़ पर मैना बैठी थी। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ, कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। यानी कैलाश ने मैना देखा, वो बहुत खुश हो गया। उसने ढेला उठाया, उसने ढेला उठाया। भैया ने कहा ढेला मत मार, भैया ने कहा ढेला मत मार। उसने भैया से कहा मुझे मैना चाहिए, उसने भैया से कहा मुझे मैना चाहिए। भैया ने कहा कैमरे से मैना की तस्वीर लेकर अपने पास रखना, पक्षियों पर ढेला मारना अच्छा नहीं, इसलिए उसे भैया ने समझाया। भैया ने कहा कैमरे से मैना की तस्वीर लेकर अपने पास रखना। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली।
भैया ने क्या किया, तो भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। कैमरे की चमक से मैना डर गई। कैमरा से जब तस्वीर निकालने के लिए उसने कैमरा निकाला, उसने फोटो खींचना चाहिए तो कैमरे की लाइट जल गई, यानी कि कैमरे की चमक से मैना डर गई। वह झट से उड़ गई। वह क्या की, वह झट से उड़ गई। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आगे अभ्यास आएगा, उसका उत्तर देना होगा। तो एक बार देखते हैं, भय भय और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए और एक पेड़ पर मैना बैठी थी। तो जब इन्होंने सैर करने गए तो देखा कि एक पेड़ पर मैना बैठी थी, तो कैलाश ने देखा और बहुत खुश हो गया कि मैंने मैना देखा। उसने ढेला उठाया तो भैया ने उसे रोक दिया। रवीर भैया, इसे ढेला मत मार। उसने भैया से कहा, नहीं मुझे मैना चाहिए। मैना ने कहा, कैमरे से तस्वीर ले लो और उसे अपने पास रख लेना। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। कैमरे की चमक से मैना डर गई, वह झट से वहां से उड़ गई। मैना उड़ गई। पाठ के अभ्यास पर, अभ्यास पे बने शब्दों को चलिए आइए देखते हैं उसमें क्या अभ्यास दिया गया है, उसके प्रश्न को हम जवाब देते हैं। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ शब्द दिया हुआ भी है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। तो कैलाश दिया हुआ है, कैमरे हैं, मैना है, भैया है, इसी में से चारों को अभी हमने अभी अभी पढ़ा है। मैना उड़ गई, उसी के आधारित ये है। तो आइए देखते हैं। एक पेड़ पर डैश डैश बैठी थी। एक पेड़ पर क्या बैठी थी, एक पेड़ पर मैना बैठी थी। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एक पेड़ पर मैना बैठी थी। डैश डैश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। कौन मैना देखकर बहुत खुश हुआ, कैलाश खुश हुआ। इसमें देखे कैलाश है, तो मैना तो लिख दिया, कैलाश भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कैलाश। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। अब है, डैश डैश ने कैमरा निकाला। किसने कैमरा निकाला, तो देखिए भैया, भैया ने कैमरा निकाला, तो यहाँ पर हम भैया लिख देते हैं। फिर देखिए, डैश डैश ने मैना की तस्वीर ले ली। किसने तस्वीर ले ली, तो भैया ने कैमरा निकाला, ये तो लिख लिए। अब कैमरे ने, तो कैमरा बचा है, तो यहाँ लिखेंगे कैमरे ने कैमरे से मैना की तस्वीर ले ली। कैमरे से मैना की तस्वीर ले ली। कैमरे से क्या करते हैं, किसी का तस्वीर लेते हैं, फोटो लेते हैं। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं कि पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो, तो पढ़ो और समझने में क्या है। जैसे देखिए, बेल है, बैल है, मेल है, मैल है, मेला है, मैला है। इसका मतलब ए के मात्रा है, ए ए के मात्रा है, इसे समझना है। जैसे शेर है, शेर है, मतलब एक ए के मात्रा है, ए की मात्रा है। चैन है, चैन है, बेर है, बैर है। इन शब्दों का आप अभ्यास करें। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे। आप सभी मात्राओं को अच्छे से पहचान करें, अच्छे से बोलने का प्रयास करें और फिर आपको किताब पढ़ने आ जाएगा और इन सभी शब्दों को सही सही उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना जल्दी सीख पाएंगे और उतनी तेजी से बोल पाएंगे। तो आगे आइए देखिए, इन शब्दों में आई मात्रा पहचानो और लिखो। जैसे देखिए, देह है, मेघ है, केस है, तेल है, तो इसमें ए की मात्रा है। तो यहाँ पर आपने ये खाली मात्रा लिखना है, तो ए लिखा हुआ है पहले से। ये में देखिए, धूप है, फूल है, सूप है, रूप है, तो इसमें हम ये मात्रा लगा है, इसको लिख देते हैं। ये देखिए, पुल, खोल, गोड़, कुछ, तो इसमें हम ये मात्रा लिख देते हैं। देखिए, जैम है, मैच है, थैला है, मैदा है, तो इसका हम मात्रा लिख देते हैं। इस तरह से हमने इसका मात्रा देख लिया और आप भी अपने किताब को लेकर के इसे अभ्यास करें।